एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। विक्रांत अब तो तुम मारे गए। विकराल को हराने की कोशिश खुद में ही एक हार। ये लो। चेक और वेट। ये कैसे हुआ? चीटिंग, चीटिंग है ये विक्राल। अगर जीतना नहीं आता तो कम से कम हारना तो ढंग से सीख। बैड लूजर। नहीं विक्राल, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। छोड़ूंगा नहीं। मैं जाऊं? मेरी मम्मी ने मेरे लिए खान भी बनाई है। हाँ देर हो गई। वैसे टाइम क्या हो गया? उप्स, सर मेरी घड़ी तो 10:10 पे बंद हो गई। आप ही बताइए ना टाइम क्या हुआ होगा। अरे कमाल है, मेरी घड़ी भी 10:10 पे रुक गई। तुम दोनों का समय खराब चल रहा है। देखो मैं तो घड़ी नहीं पहनता। अरे ये घड़ी भी रुक गई, ये कैसा इत्तेफाक है? इत्तेफाक नहीं हो सकता। घड़ी भी बंद, मोबाइल का टाइमर भी बंद, कहीं मेरी बस ना मिस हो जाए। एक्सक्यूज मी भाई साहब, भाई साहब मेरी घड़ी बंद पड़ गई है। आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? कमाल है, मैं भी आपसे यही सवाल करने वाला था। सारी घड़ियां बंद, फिर टाइम का पता कैसे चलेगा? टीवी पे टाइम देखते हैं। एक विशेष न्यूज फ्लैश, क्या आपकी घड़ी 10:10 पर आकर रुक गई है? अगर हाँ तो ये सिर्फ आपका ही नहीं पूरे देश भर की घड़ियों का प्रॉब्लम है। वॉचेस, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, क्लॉक टावर्स, लोग बहुत परेशान हैं और साइंटिस्ट भी अपनी छानबीन में लगे हुए हैं। आज तो मानो वक्त ही थम गया हो। ऐसा भी कभी हो सकता है? वक्त को रोकने से किसको क्या मिलने वाला? ऐसे ही नहीं गौतम, हर नुकसान के पीछे किसी ना किसी का फायदा जरूर छुपा है। गॉड, ये घड़ी बंद करने वाली कहानी ने तो डरा ही दिया है। घर जाके ही चैन मिलेगा।
कमांड कर। की वर्दी की खुशबू, ये तो कोई पुलिस स्टेशन से आई है। विक्रांत, ये निशान देखो, ये किसी इंसान के हैं या जानवर के? दोनों के, लेकिन एक ही आदमी में, जो इंसान भी है और जानवर भी, आधा इंसान और आधा जानवर, आदम जानवर, जिसे भूतों की भाषा में दरिंदा कहते हैं, और जो सिर्फ रात के अंधेरे में निकलता है और अंधेरे का फायदा उठाकर लोगों पर वार करता है। क्या मुसीबत है, इतने घंटे हो गए और अभी तक सूरज नहीं निकला, पता नहीं कौन सा ग्रहण लगा। बता, वो कौन है? टू का नाम है उसका, आधा इंसान आधा जानवर, अंधेरों का राजा है वो। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, और वो इंसानों को अपनी खुराक के लिए मारता रहेगा। लेकिन इस ना खत्म होने वाले अंधेरे का राज क्या है? वक्त थम गया है विकराल। क्या वक्त थम गया? ये वक्त रुक गया है। वक्त रुक गया तो अच्छा है ना, सुबह नहीं होगी, और सुबह नहीं होगी तो बच्चा स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे तो आराम से सोते रहेंगे जैसे बचपन में मैं सोता था। शराब का पुत्र, जरा सोचो, सूरज की रोशनी के बिना सारी फसलें उजड़ जाएंगी और चारों तरफ सूखा अकाल। सूरज की एनर्जी के बिना पावर सप्लाई पर भी ओवरलोड हो जाएगा और फिर हमेशा के लिए अंधकार। इस मुसीबत की जड़ क्या है? समय का चक्र भी उछलता है
जमीन की तह से, जहां जगघड़ियाल है। जगघड़ियाल? हाँ विक्राल, उसी को किसी ने रोका है। उसे फिर से चला दो तो वक्त फिर से चलने लगेगा। दुनिया की तह तक जाने का रास्ता क्या है? सर आपने मुझे वापस रात में क्यों बुला लिया? लिली ये दिन है, रात नहीं। दिन? Are you stupid? ये तो रात ही है। क्योंकि रात खत्म नहीं हुई और दिन आया नहीं, फिर भी ये दिन है, दिन रात नहीं। उस किताब के मुताबिक इस फैक्ट्री में पाताल तक जाने का रास्ता है जो हमें जगघड़ियाल तक ले जाएगा। कम ऑन। घबरो, आराम से चल लिली। संभाल के लिली, घबरो। सर इतनी बड़ी घड़ी? ये घड़ी नहीं, घड़ा है लिली, घड़ा। रात कभी खत्म ना हो। तो चलो ड्राइव पे चले। ओह नो। क्या हुआ राहुल? मैं गाड़ी की चाबी ऊपर ही भूल गया। क्या राहुल, हमेशा ऐसा करते हो। Thank you.
कौन है? जमीन की तह में लावा भरा हुआ, गर्मी नहीं होगी तो बर्फ पड़ेगी। Damn it, ये घड़ियाल भी नहीं शुरू हो रहा। राहुल, 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 कहाँ हो तुम राहुल? राहुल, 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 खोलो राहुल। सवाल अगर मैं टाइम पर तुमसे पूछूं तो मैं वही जो था पिछले साल। मिला मुझसे दद्दू, मैं हूं विक्राल और हम यहां रुके हुए समय को वापस शुरू करने आए। लेकिन तुम्हारी घड़ियां तो सब चल रही हैं। क्योंकि वॉचमैन की वॉच को कोई छू नहीं सकता टाइम पे। वॉचमैन? यू मीन चौकीदार? नहीं, घड़ियाल का रक्षक हूं, समझे तुम? रक्षक। मेरा बदन भी घड़ियों का बना हुआ है, इसीलिए मेरा नाम है वॉचमैन। वॉचमैन, और तुम हो डेड मैन। मैंने एक घंटे के लिए यहां से ब्रेक क्या ले ली अपनी ड्यूटी से, उसने आकर मेरी घड़ियाल बिगाड़ दी। नहीं, अब मैं यहां से नहीं हटूंगा, कभी नहीं। जिसने भी इस घड़ी को बिगाड़ा है, पहले मैं उसे बिगाड़ूंगा, फिर इस घड़ी को ठीक करूंगा। लेकिन वो है कौन? मैं जानता तो जरूर, लेकिन बताऊंगा नहीं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा टाइम पे। लेकिन कैसे? ये लो, पहले तुम मेरी इस घड़ी को ठीक करो। सुना है इंसान किसी भी चीज को ठीक कर देता है। लेकिन मैं घड़ी ठीक नहीं कर सकता। 2 मिनट में ठीक कर दो, वरना तुम्हारा वक्त खत्म।
लेकिन नो, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अगर तुमने दो मिनट के अंदर ये घड़ी ठीक नहीं की तो मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा। एक मिनट, एक मिनट। गबरू, मुझे मिलने से पहले तो तू घड़ियां ठीक करता था ना। चल गबरू, इसे ठीक कर दे प्लीज। नहीं, मैं बगैर सोने के सिक्के लिए घड़ी ठीक नहीं कर सकता। गबरू, गबरू देख प्लीज यार, मैं बगैर सोने के सिक्के लिए घड़ी ठीक नहीं कर सकता। ये गबरू का वसूल है। सिर्फ 1.5 मिनट रह गया है, 1.5 मिनट। घड़ी मत बंद, घड़ी तो मैं बाद में देखूंगा। हाँ हाँ, 1 मिनट पहले से ठीक कर। चल मांग नहीं रहा, बता रहा हूं कि सिर्फ 1 मिनट बचा है। चुपचाप रहो, मैं करता हूं। कौन? कि तू इतना स्वीट है, अब क्या करूं? चुप हो जा अभी, ये लो। अब बताओ। तो सुनो, जिसने ये घड़ियाल बिगाड़ा है वो एक दरिंदा है, दरिंदा। उसका नाम ठुका है और इस घड़ियाल को बिगाड़ने के साथ साथ वो एक पुर्जा भी अपने साथ चुरा कर ले गया है। बिल्कुल, इस तरह का रेत का घड़ियाल तुम्हें ये पुर्जा उससे हासिल करके इस घड़ियाल में फिट करना होगा और इसे चालू करना होगा, वो भी ठीक टाइम पे। धोखा यार, दिन नहीं होगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डैडी तो मुझे जैसे घर से बाहर निकलने नहीं देते, मैं तो जैसे कैद हो गई हूँ। अरे रात में डरने की क्या बात है यार, उन्हें लगता है रात खतरनाक होती है। वो सच ही कहते हैं। जिसका अंधेरे से कोई भाग नहीं सकता, मुझसे भी कोई भाग नहीं सकता। थोड़ी सी लाइट से डर गया? कौन हो तुम? तुझ जैसे दरिंदों का जो करे बुरा हाल, मिला मुझसे डुका
मैं हूँ विकराल। आज सुना था तुम्हारे बारे में, बस देख ही लिया। दूर रहो मुझसे, वरना इस और फिर मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे अंधेरे में कोई नहीं मार सकता सिवाय मेरे। कुछ नहीं होगा मुझे। बताओ अब तक गड़ियाल क्या रखा है? तो तुझे पता चल गया? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं। पर इस समय क्यों रोक के रखा है? इसलिए कि अंधेरे में मेरी शक्ति भर जाती है और अंधेरे का मैं राजा हूँ। राजा हूँ। राजा? राजा नहीं, गुलाम। अंधेरे में अपने आप को शेर समझता है ना? आ लड़ मुझसे। ये देख, मेरे पास हथियार भी नहीं है। लुका, लुका। Thank you.
देखा गबरू सब कितने ब्रेव हैं। लेकिन वो डुका तो भाग गया ना। मैं दरिंदे को अच्छी तरह से जानता हूँ गबरू, सूरज की रोशनी हो जाए तो खुद ब खुद मर जाएंगे। जाने दो उसे, हमें वक्त का चक्कर फिर से शुरू करना होगा। कम ऑन, चल ले। इसको हल करने से पहले मेरी पहेली को हल करो। देखो, एक दिन से अंधेरा छाया हुआ है और ऊपर की दुनिया को रोशनी की सख्त जरूरत है। वो मेरी समस्या नहीं है, मेरे दिमाग में एक सवाल बरसों से गूंज रहा है और मैंने सुना है कि इंसान बहुत समझदार और होशियार होते हैं। जवाब दो टाइम पे। पूछो क्या सवाल है तुम्हारा। बताता हूं, किसी का बर्थडे है क्या? घबरू घबरू संभाल के। जन्मदिन तो किसी का नहीं है, लेकिन अगर गलत जवाब दिया विक्रम, तुम तीनों का मरण दिन अवश्य हो जाएगा, वो भी टाइम पे। विकराल, वो सामने रखा चाकू देख रहे हो? इसके तीन बार इस्तेमाल करने से इसके के बराबर बराबर के आठ हिस्से हो जाने चाहिए, बराबर आठ हिस्से। मैं काटूंगा इसे। तुम हल्के काट दिया। एक मौका तुमने खो दिया है विक्रम, और केक के बराबर दो हिस्से। अब सिर्फ तुम्हारे पास दो मौके हो रहे हैं, दो। अब मेरी बात। तेरी रोको, चित रो सब प्लीज काटो काटो। दो मौके खो दिए और बराबर के चार हिस्से हुए। अब विकराल तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है और आठ हिस्से होने चाहिए। करो आठ। ले वो दोनों पीस, और गबरू तुम दूसरे दो पीस, एक के ऊपर एक रखो। देख लो विक्रम, ये आखिरी मौका है। अगर गलती की तो जितने टुकड़े इस केक के हुए हैं उतने टुकड़े तुम तीनों के सर के होंगे, समझ गए? वो भी टाइम है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और वो भी तीन बारी। वाह शाबाश विक्रम, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि इंसान वाकई समझदार होता है। जाओ और दुनिया को रोशन करो, वो भी टाइम पे।
बहुत अच्छे विक्रम, अब दुनिया का समय तो ठीक हो गया विक्रम, लेकिन तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया है, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं बाहर जाने के लिए, वरना उसके बाद पाताल का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, वो भी टाइम पे। लेकिन ऊपर जाने के लिए तो 15 मिनट लगते हैं। हाँ, इसका मतलब यही हुआ कि तुम तीनों यहां हमेशा हमेशा के लिए कैद। 4 मिनट और विक्रांत, फिर दरवाजा बंद। विक्राल तुमने ये क्या किया? क्या वक्त को रोक दिया? अब 4 मिनट क्या 4 घंटों में ऊपर जा सके? घबरो, इधर आ, ये ले और 10 मिनट के बाद इसमें लगा देना, ठीक है? और फिर उड़न छू करके उड़ के आ जाना बाहर। ऑलराइट, कौन ले ले? राइट, राइट। फिर मिलेंगे और वो भी टाइम पे। विक्राल, टाइम भी नहीं देखने देता। गबरू तो अंदर है। ओ माय गॉड, कुछ कीजिए ना सर। गबरू, गबरू, विक्रांत मैं आ गया। गबरू, गबरू, देखा लीली, गबरू का कमाल। टाइम पे